देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वाजपेयी की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि आज भारत के रत्नों, दो रत्नों अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा, देशवासियों के दिलों में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अटल बिहारी के जन्मदिन पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना लॉन्च की। मोदी ने कहा कि एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक अहम परियोजना जो देश के लिए बहुत अहम है अटल जी को समर्पित की गई है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल को अब अटल टनल के नाम से जाना जाएगा। अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा भूजल पर निर्भर रहता है। भूजल का खूब दोहन हुआ लेकिन इसका पोषण नहीं हो पाया। पीएम मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार इसको बचाने के लिए काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के लोकभवन में अटल बिहारी वाजपेयी के स्टेच्यू का अनावरण करेंगे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी होगा। पीएम योगी ने लोकभवन में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी आज लखनऊ के लोकभवन में दोपहर 3 बजे अटल जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी लोकभवन में तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। एनआरसी के बाद अब एनपीआर पर विवाद शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने की सलाह दी। ओवैसी ने कहा है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में एनआरसी और एनपीआर में संबंध है। अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं, पहले उन्हें अपनी मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। एनपीआर एनआरसी को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआरसी का विवाद खत्म हो रहा है, वहीं एनपीआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। शाह ने कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, एनपीआर में नाम नहीं होने पर भी नागरिकता नहीं जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच चल रहे केस में अदालत ने फैसला सुनाया। निचली अदालत की फैमिली कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है कि तेज प्रताप को 22,000 रुपए हर महीना ऐश्वर्या को गुजारा भत्ते के रूप में देने होंगे। साथ ही अदालत ने 2,00,000 रुपयों के मुकदमे का खर्च देने का निर्देश भी दिया। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के बाद सुरक्षा हटाने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियां हटाई जाएंगी। कश्मीर से 5 अगस्त से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हालात को काबू में रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। सीआरपीएफ की 24, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की 12 टुकड़ियों को वापस बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आदित्य की सुरक्षा वाई प्लस से बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई। वहीं सरकार ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी दी जाने वाली एक्स श्रेणी की सुरक्षा वापस ली है। सरकार द्वारा राज्य की 45 हस्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा की गई, इसके बाद ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी के पास जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को सलाह दी है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि सीएए एनआरसी विरोधी हिंसा में सर्वाधिक यूपी में मारे गए लोगों की सही जांच पड़ताल करके
और इनमें जो लोग निर्दोष हैं उनकी मदद के लिए सरकार आगे आए, ये बेहतर होगा। उधर यूपी हिंसा को लेकर एनएचआरसी ने डीजीपी को नोटिस जारी किया। यूपी हिंसा में हुई मौतों पर एनएचआरसी ने 4 हफ्तों में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, साथ ही इंटरनेट सेवा बंद करने पर भी डीजीपी को जवाब देना होगा। कुशीनगर में सीएए के विरोध में 19 दिसंबर को पडरौना इलाके में हुई हिंसा के उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। जिला प्रशासन ने जानकारी देने के लिए 4 नंबर भी जारी किए। इसमें कुशीनगर के एसपी, एएसपी और सीओ सदर के मोबाइल नंबर जारी कर दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है। संभल में 20 दिसंबर को हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में गाड़ियों पर पत्थर फेंकते हुए उपद्रवी साफ दिखाई पड़ रहे हैं। मोहल्ला काजी में 20 दिसंबर को सीएए और एनआरसी को लेकर उपद्रवियों ने काफी तोड़फोड़ की थी। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 13 लोगों को हत्या और साजिश रचने का आरोपी बनाया गया। पिछले 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की लखनऊ के खुर्शीदाबाग इलाके में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कमलेश तिवारी की उनके ऑफिस में 18 अक्टूबर को यह हत्या हुई थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी में अशफाक और मोहिनीदीन और गुजरात एटीएस ने दरअसल इन्हें पकड़ा था। बाकी के आरोपी पठान रशीद, फैजान मोहसिन, सलीम शेख आसिफ, कामरान कैफी नावेद, रईस और जाफर सादिक को बाद में पकड़ा गया। पुलिस ने इनके नाम भी साजिशकर्ताओं में शामिल किए हैं, चार्जशीट में दाखिल किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे मामले में सीबीआई ने यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता और 21 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन सभी आरोपियों पर साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का मामला है। एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पीसीएल में हुए अरबों रुपयों के पीएफ घोटाले मामले की अब ईडी जांच करेगी। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने ईडी को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, इस मामले में दर्ज एफआईआर और अब तक के ब्रोकर फर्मों से जुड़ी सभी जानकारियां भी ईडी को भेज दी गई हैं। हरदोई में पुलिस ने 15 साल के गुमशुदा लड़के की तलाश कर एक परिवार की खुशियां वापस लौटाने का काम किया। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के चांद बेटा निवासी सत्येंद्र कुमार प्रजापति ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस मुस्तैद हुई और बच्चे की खोजबीन में जुट गई। उन्नाव में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बच्ची के घर के बगल में रहने वाले नाबालिग लड़के पर ही रेप का आरोप लगा है। रेप के बाद से आरोपी फरार हो गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में युवती के साथ रेप के बाद दरिंदगी का मामला सामने आया। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत भी हो गई। दरअसल 21 दिसंबर को आगरा की यमुना ब्रिज स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में 22 साल की युवती से एक युवक ने पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर उस पर पत्थरों से कई वार कर दिए। लोगों ने जब युवती को खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी, लेकिन इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के बेलोट गांव में आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने घर पर सो रहे मां बेटे पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल हत्या के पीछे के कारण पता नहीं लग पाए। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। आगरा के रुणकता इलाके में मोबाइल और टेलर शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह से दुकान के आसपास हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कासगंज नगर में दरअसल क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर चर्चा में और चर्च में विशेष साज सज्जा की गई। लोगों ने ईसा मसीह से प्रार्थना कर देश से शांति और भाईचारा कायम करने की प्रार्थना की। प्रार्थना और दुआ के बाद गरीबों को दान भी दिया गया। आज दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। ऐसे में भारतीय सैनिक भी अपनी तरह से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन सैनिक क्रिसमस का ये त्यौहार किसी गिरजाघर में नहीं बल्कि बर्फ की चादर में मना रहे हैं। क्रिसमस मनाते वक्त सेना के जवानों का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो सीमा पर एक बर्फीले स्थान का है। यहाँ पर सैनिक पारंपरिक जिंगल बैल गा रहे हैं। यहाँ सैनिकों ने बर्फ से सेंटा और जानवर तैयार किए हैं। भीषण ठंड के बीच भारतीय सैनिकों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
गोरखपुर में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। क्रिसमस को लेकर चर्च को सजाया गया है, लाइट से चर्च जगमगा रहे हैं, वहीं लोग भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। गोरखपुर पुलिस ने बड़ा निर्णय लिया, अब 112 पीआरवी में महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 6 पीआरवी वाहनों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। गोरखपुर में अभी कुल 46 पीआरवी वाहन चलाए जा रहे हैं। बलिया के करनाई गांव में आयोजित ललित संगीत महोत्सव में पहुंचे पद्मश्री कैलाश खेर ने अपने संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैलाश खेर ने कहा कि संगीत लोगों के साथ समाज और देश को जोड़ता है। इस दौरान कैलाश खेर ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। मुरादाबाद में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर की दोपहर बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद वो हवाई पट्टी के पास जंगलों में गंभीर हालत में मिली थी। इस पूरे मामले में परिजनों की तहरीर पर अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वकीलों ने CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में वकील मुरादाबाद की सड़कों पर निकले और शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए DM ऑफिस पहुंचे और जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क पर सो रहे परिवार पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ गई। संबल चौराहे के पास पुल के नीचे हुए इस हादसे से एक दंपत्ति समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। मैनपुरी में लगातार महंगे हो रहे प्याज की चोरी CCTV कैमरे में कैद हो गई। 2 पुलिसकर्मियों ने सब्जी की दुकान में बंधी जंजीर तोड़कर घटना को अंजाम दिया। पुलिसकर्मी सब्जी की दुकानों में रखा प्याज और नकदी समेत महंगी सब्जी चोरी कर ले गए। पुलिसकर्मियों द्वारा की गई यह वारदात पास के लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। हाथरस नगर पालिका की सीमाओं का विस्तार किया गया। शहर से सटे 30 से ज्यादा गांव नगर पालिका में शामिल किए गए। वर्षों से शासन में लंबित इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। रुड़की के रामनगर कोर्ट में 2 लोगों के पिस्टल लेकर घूमने की अफवाह से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम कोर्ट में पहुंची और सभी लोगों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। रुड़की तहसील प्रशासन और कृषि विभाग की 4 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर खाद, बीज, उर्वरक और दवाओं के 69 सैंपल लिए। कृषि विभाग के अधिकारी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजेंगे। पूरी कार्रवाई शासन के निर्देश पर की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टनकपुर पुलिस, SOG और वन विभाग की टीम के संयुक्त अभियान में गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी युवक को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर टनकपुर में मनीहार खोट तिराहे पर हाईवे पर बाइक से आ रहे गोविंद सिंह को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हमीरपुर जिले में सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरियों के बीच में एक 22 साल की अज्ञात युवती की लाश मिलने से यहां हड़कंप मच गया। मृतका के सर पर चोट के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। जींस शर्ट पहने हुए इस युवती के शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के कई इलाके भारी बर्फबारी की वजह से सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां पर्यटकों के चेहरे खिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही हैं। उत्तरकाशी में भी जबरदस्त बर्फबारी के साथ पर्यटकों की भीड़ बढ़ चुकी है। उत्तराखंड के श्रीनगर में पालिका में अधिशासी अभियंता और ईओ न होने से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, जिसके चलते नगर में होने वाले विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। आपको बता दें कि 4 महीने से अधिशासी अभियंता और ईओ का पद खाली है, जिसके चलते प्रशासनिक कामों में दिक्कतों से दोचार होना पड़ रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शुक्ला का चयन यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए हुआ है। डॉक्टर शुक्ला को यह सम्मान चेन्नई में 16 फरवरी को आयोजित होने वाले 4th अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट अवार्ड में दिया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत समस्याओं की कमी है। समस्याओं को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों ने DM से मुलाकात की और समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसके बाद DM से समस्याओं को लेकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने घर पर क्रिसमस पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में करीना कपूर की गर्ल गैंग के साथ इंडस्ट्री के उनके बाकी दोस्त भी नजर आए। करीना की क्रिसमस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। तस्वीरों में करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा और नताशा पूनावाला नजर आ रहे हैं। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने बेटे आहिल शर्मा के लिए क्रिसमस पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में बॉलीवुड सितारों समेत स्टार किड भी नजर आए। करीना के बेटे तैमूर और तुषार कपूर के बेटे लक्ष्य को क्रिसमस पार्टी में स्पॉट किया गया। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। भाई बहन के बीच की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। पेट्रोल डीजल अगले महीने और ज्यादा बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। दरअसल सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर प्रीमियम चार्ज वसूल सकती है। अप्रैल 2020 तक देश भर में नए उत्सर्जन मानक लागू होने हैं। देश में कई जगहों पर अब भी BS6 फ्यूल भी मिलने लगा है। रिफाइनरियों को BS6 फ्यूल में अपग्रेड करने में तेल कंपनियों को काफी निवेश करना होगा। इस निवेश की भरपाई के लिए प्रीमियम चार्ज लाने पर विचार हो रहा है। BSNL ने क्रिसमस के चलते अपना नया प्लान पेश किया। कंपनी ने अपने 1,999 रुपयों के प्लान को रिवाइज करते हुए इसकी वैलिडिटी 7 दिन बढ़ा दी है। अब इस प्लान में 365 दिन की बजाय 225 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में यूजर्स को कुल 1,275 GB डेटा मिलेगा। इतना ही नहीं, अब इस प्लान को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स को BSNL क्यूंस और BSNL टीवी का भी फ्री एक्सेस मिलेगा। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 45 रुपए टूटकर 39,485 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी 625 रुपयों की छलांग लगाकर 7 हफ्तों के उच्चतम स्तर 47,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है।